क्या आपका टिकटॉक वीडियो पे लाइक नहीं आता, क्या आपको टिकटॉक की वीडियो पे व्यूज नहीं आता, तो दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देखना। मैं यहाँ पे सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। टिकटॉक पे आपको किस तरह से वीडियो को अपलोड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड फॉलोवर बढ़ सकते हैं। तो आपको देख सकते, वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, अपलोड करने के 5 मिनट बाद ही लाइक एंड फॉलोवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊँगा टिकटॉक पर वीडियो को आपको कैसे अपलोड करना है, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं टिकटॉक वीडियो को शूट करते हैं, या फिर काई मास्टर होगा, या पावर डायरेक्टर होगा, या फिर फिल्मोरा होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन हम लोगों को लाइक एंड व्यू नहीं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सारा आज के वीडियो में आपको सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो चलते हैं आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं बताता हूँ इस तरह से आप वीडियो को अपलोड करना है। तो यदि आप वीडियो 4 से 5 पर डे बनाते हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर 1-2 वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है टिकटॉक पे आप लोगों को वायरल होने के लिए। अगर 4 से 5 वीडियो पर डे बनाते हैं, वीडियो क्वालिटी सही है, तो आप ये ध्यान रखिए, आप कितना भी बढ़िया वीडियो बना लेते हैं और आप सही टाइम पर अपलोड नहीं करते हैं, सही तरीका से नहीं अपलोड करते हैं, तो आपका वीडियो पर लाइक एंड व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ भी जाएगा तो 200, 400, 500 आकर एक साथ रुक जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है, हम लोगों के भी साथ होता है। तो आज हम आपको सही तरीका बताऊंगा। तो आपको जब भी वीडियो आप 4 से 5 अपलोड करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो को आपको मॉर्निंग में 8 बजे 10 बजे अपलोड करने के लिए, फिर इसके बाद आप शाम को 6 बजे हो गया, 8 बजे हो गया, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मॉर्निंग में 2-3 वीडियो अपलोड कर लेना है और 2 वीडियो आपको शाम को अपलोड कर लेना है। लेकिन वीडियो आपको अपलोड कैसे करना है, तो चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है आपको अपलोड का, तो अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आने के बाद जो भी उस वीडियो को सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना, जब भी एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का जो वाटर मार्क होता है नहीं होना चाहिए। यदि वाटर मार्क होगा तो आपको वीडियो पर लाइक एंड व्यूज ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टिकटॉक के टीम नहीं चाहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम फ्री में प्रमोट करें। तो आपको पहले ध्यान रखना है, जब भी वीडियो एडिट करेंगे तो वाटर मार्क को रिमूव कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वॉल्यूम पे आना है और इस वीडियो को वॉल्यूम को आपको फुल कर देना है। इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने आने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग यूज क्या करना है, तो यहाँ पे हैशटैग यूज करना है फर्स्ट ट्रेंडिंग, सेकेंड हैशटैग यूज करना है आपको टिकटॉक इंडिया, थर्ड हैशटैग यूज करना है आपको फॉर यू, और फोर्थ नंबर पे आपको हैशटैग यूज कर लेना है फॉर यू पेज। इस तरह से हमने 4 हैशटैग ट्रेंडिंग यूज कर लिया हूँ, और इसके बाद आपको 1-2 हैशटैग यूज कर लेना है आपको वीडियो को अकॉर्डिंग। इसके बाद वीडियो को आपको कर देना है पोस्ट। तो आप पोस्ट करके देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है लाइक एंड व्यूज जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी वीडियो में आपको लाइक एंड व्यूज नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बैक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलता रहता है टिकटॉक पे, तो आपको सिंपल किस क्या करना है, जिस वीडियो पे आपको बनाना है आप देख लेना कौन सी वीडियो आपको ट्रेंड में चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मिलियन यहाँ पे लाइक्स है, तो आपको यहाँ व्यूज की बात किया जाता है, मिलियन क्रॉस कर चुका होगा व्यूज। तो इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज दिस साउंड पर क्लिक करना है, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ओरिजिनल वीडियो का जो साउंड है आपको लो कर देना है, टिकटॉक वीडियो का साउंड है इसे आपको फुल कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद आप फिल्टर यूज करना चाह रहे थे, आप यहाँ पे फिल्टर भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर फिल्टर यूज नहीं करता हूँ, नॉर्मल रहने देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने का सेम आपको 4 हैशटैग यूज कर लेना ट्रेंडिंग, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, और इसके बाद 1-2 हैशटैग यूज कर लेना आपको वीडियो को अकॉर्डिंग, और इसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे 100% मैं आपको, यहाँ पे आपको लाइक्स एंड व्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको वीडियो को प्रूफ भी दिखा दूँगा, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जो 24 घंटे के अंदर अंदर में 3 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका था, और लाइक के बाद किया जाता है यहाँ 5000+ लाइक आ चुका था। वैसे वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करना है तो आपको लगातार ही वीडियो आपको अपलोड करना पड़ेगा, 20 से 25 दिन। ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो पे लाइक एंड व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो
दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।